नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील अंतर्गत सरकारी स्कूल सदाबूरी में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद आधा सैकड़ा से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एडीएम कटंगी कामिनी ठाकुर ने बताया कि उन्हें सदाबूरी सरकारी स्कूल के बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी, जिन्हें वाहन से लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए स्कूल में बने मध्यान्ह भोजन का सैंपल लेकर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर पंकज दुबे ने बताया कि बच्चों को पेट दर्द, गले में जलन और उल्टी की शिकायत थी। इनमें 28 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जबकि 29 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सभी बच्चे खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। धन्यवाद सर। आज जो घटना घटी है मध्यान्ह भोजन में फूड पॉइजनिंग वाली, इसमें जो 50 से अधिक बच्चे आपके पास हॉस्पिटल में लाए गए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बच्चे मध्यान्ह भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी। और जैसे ही हमको सूचना मिली, तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया। वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे, इनको ओपीडी में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। तो इसमें आगे कोई खतरा या किसी बच्चे की कोई हालत ख़राब? जिन बच्चों का स्थिति ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हुई है, उनके हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं।